ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 400 का तो उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपका जो आंकड़े जो आ रहे हैं वो करीब करीब सही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो मोदी जी ने जो पिछले अपने इसमें काम किए हैं, वो चाहे विकास की तरह हो या सर्विसेज की तरफ से हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हो, हर तरफ से कि मोदी के जो गारंटी है, अपना जो गारंटी है वो 100% पूरा किया है। आप लोगों ने जो सर्वे किया वो एकदम सही है, हम 425 से ऊपर सीटें इस बार लेकर के आएंगे। जहां तक की उम्मीद है, जनता ने जिस तरीके से वोटिंग दी है, मोदी जी के जो काम रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में रहे, चाहे वो राम मंदिर को लेकर रहे, चाहे देश हित में रहे, हर काम मोदी जी ने देश हित में किया है। जो अच्छा काम करेगा वही सरकार बनाएगा, और इस समय एक ही बंदा है आने वाला भविष्य के लिए, देश के अच्छे काम के लिए, मोदी। मोदी के अलावा कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। एग्जिट पोल सर्वे के जरिए नतीजे आ चुके हैं, कयास लगाया जा रहा है कि तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत ने अपने एग्जिट पोल सर्वे में दिखाया कि एनडीए को 358 सीटें मिल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, हमारे साथ दिल्ली के आम लोग मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल पर इनका रिएक्शन क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरेंद्र शर्मा है। अमरेंद्र जी, ये बताइए कि जो गिनती होनी है वो 4 जून को होनी है, एग्जिट पोल सर्वे के जो नतीजे जो आ रहे हैं उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए को 358 सीटें मिल सकती है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आपका शायद सर्वे रिपोर्ट जिसका बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। मेरा जो अपना पार्टी का आकलन है, हम लोगों का, जनता का आकलन, जो हम लोग वोट दिए मतदाता, 400 से पार हम हैं, 425 आए, 450 आए, लेकिन 400 से हम अधिक रूप में, क्योंकि हम लोग एक मतदाता है यहाँ का। हमने मोदी का विकास देखा है, मोदी का जोश देखा है। जो लोग दूसरे को नकारा बोलता था, आज वो खुद नकारा हो गया, मतलब वो कहीं भी किसी रूप में नहीं टिक रहा है। तो इसलिए हम सब मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करके हम सब वोट दिए, और हर हर मोदी, घर घर मोदी इस बार करके 400 हमने पार किया। 400 पार कर दिया आपने अपने वोट से। आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम वेंकट रामन है, मैं साउथ से हूँ भले ही, मगर मेरे को जो आपके जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो आसपास सही लग रहा है, क्योंकि इसलिए कि 400 का तो उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपका जो आंकड़े जो आ रहे हैं वो करीब करीब सही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो मोदी जी ने जो पिछले अपने इसमें काम किए हैं, वो चाहे विकास की तरह हो या सर्विसेज की तरफ से हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हो, हर तरफ से कि मोदी के जो गारंटी है, अपना जो गारंटी है वो 100% पूरा किया है। यदि कोई जनता में कोई ये डाउट है, थोड़ा सा भी यदि डाउट है, तो अभी साबित हो जाएगा, अभी जो आपका जो एग्जिट पोल और जो आने वाले जो रिजल्ट में नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि मोदी की गारंटी पे मोदी को प्रचंड बहुमत की तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही सर्वे के अनुसार। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? सनी शर्मा। सनी जी, आपका क्या रिएक्शन है इस सर्वे को लेकर के? सर्वे को लेकर के यही इलेक्शन है भैया, वो सॉरी यही है कि आप लोगों ने जो सर्वे किया वो एकदम सही है, हम 425 से ऊपर सीटें इस बार लेकर के आएंगे। जहां तक की उम्मीद है, जनता ने जिस तरीके से वोटिंग दी है, मोदी जी के जो काम रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में रहे, चाहे वो राम मंदिर को लेकर रहे, चाहे देश हित में रहे, हर काम मोदी जी ने देश हित में किया है, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। अच्छा, तो आप बताइए, ये इन दोनों जो भाई साहब हैं, इनका कहना है कि 400 पार, आप क्या कहेंगे? देखिए, 400 पार जो एक शब्द दिया है मोदी जी ने, ये इन सब को एक जगह एक घाट पे पानी पिला दिया और ये वहीं उलझ गए कि 400 पार। मगर देश की जनता, माताएं बहनें, मातृशक्ति देख रही है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों का विकास है, राम मंदिर है, 370 है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, और इस सब के ऊपर जनता ने वोट दिया है। और अब की बार हर इंसान, अगर हम वोटिंग में भी हम जब वोट देने जा रहे थे तो लाइनों में हर इंसान खड़ा हुआ कर रहा था जय श्री राम, और अब की बार हो जाएगा काम, अब की बार हो जाएगा काम। भाई साहब आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ये है कि विपक्ष कल से ये कह रहा है पोल देखने के बाद कि 400 नहीं होगी, वो ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं बनेगी, तो विपक्ष वही हार मान चुका है, सबसे बड़ा ये विपक्ष हार मान चुका है। आप? मेरा तो यही कहना है
कि जो अच्छा काम करेगा वही सरकार बनाएगा, और इस समय एक ही बंदा है आने वाला भविष्य के लिए, देश के अच्छे काम के लिए, मोदी। मोदी के अलावा कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। एक बात बताइए आप लोग, कि आप लोग का कहना है कि 400 पार, आपने तो 425 तक की सीटें दे दी एनडीए को, लेकिन ये बताइए कि जहां विपक्ष इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो जब चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम इस देश में संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जिनके ऊपर उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का खतरा बताया है उनको आप 425 की सीटें दे रहे हैं, ये कैसे है? आप देखें सर, उनकी जो विपक्ष की आप चर्चा की, मैं विपक्ष की भी बात बोल दूं, क्योंकि हम एक मतदाता हैं, एक जागरूक मतदाता हैं, क्योंकि हम सबने देखा है, हम उस गांव से भी बिलोंग करते हैं जहां हमारी माँ पहले चूल्हा पे, गोईठा पे, उपला पे खाना बनाया करती थी, और आज वो हर घर में गैस पहुंच गया है। विपक्ष तो एक ही नारा था, मोदी रोको। अरे तुम अपनी एजेंडा तो बताओ कि तुम हमारे युवाओं के लिए क्या करेंगे। पिछली बार मैंने देखा मोदी जी ने एजेंडा में युवाओं के लिए, जो हम लोग पहले नौकरी के लिए फॉर्म भरते थे तो अटेस्टेड कराने के लिए हम कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते थे, मोदी जी ने उसको रिलीफ दे दिया कि अपने से सत्यापित करो, आपका सर्टिफिकेट है, आपसे अच्छा कौन सत्यापित कर सकता है। हम सब कम से कम लाइफ में 100 से ऊपर फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, वो एक फॉर्म के लिए हमें 500 रुपया करीब करीब खर्च होता, तो वो हम सबको बचाए, युवाओं को बचाए। वो कोई भी ऐसा मामला जो नहीं हुआ जिसको टच मोदी जी ने नहीं किया, महिला, युवा, उनकी जात में रही बस वही युवा, गरीब। भाई साहब, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बात फिर कहां से निकल गई? उनकी पार्टी खतरे में है, वो खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। जो विपक्ष के हैं उनके कोई नेता नहीं है, वो तो पहले खतरे में हो गए, वो खतरे में, संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता, संविधान कोई बदल नहीं सकता। आप क्या कहेंगे? देखिए, खतरा उनको अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा है, अपने राहुल को अपना अस्तित्व बचाने का खतरा है। संविधान तो आप पूरी दुनिया देख रही है 10 साल से, आज देश के राजा का अगर कहीं बाहर जाता है तो उसके पैर छुपे जाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति उससे गलबैया करता है, तो ये खतरा है उन्हें कि आज देश परम सीमा पे, परम वैभव पे पहुंच रहा है और पुनः विश्वगुरु बनेगा, इस चीज का उन्हें खतरा है। खतरा क्या है? मोदी जी की ताकत को G20 में पूरे देश ने देख लिया। राम मंदिर बना तब हर घर में जो राम के नारे लगे, मतलब जो जनता मोदी जी के साथ है, अब राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल जी हो, उनकी तो मटिया पलित हो गई भैया, पलित हो गई। आप साउथ से हैं, आपने बताया कि आप साउथ इंडिया से आते हैं, साउथ इंडिया में सर भाजपा ने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी है, खास करके जो साउथ के जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, तमाम जो क्षेत्र है, खूब अन्ना मलाई भी वहां उभर करके आए। साउथ में क्या कुछ स्थिति रही है ये बताइए। साउथ में समझ लीजिए, तमिलनाडु में 39 सीट है और पांडिचेरी में एक है, कुल मिला के 40। अभी पिछले बार तक कोई उभर के नहीं आई, बट इस समय जो अन्नामलई का जो फोर्स है वो बहुत ही जारी, खास करके युवा लोगों का, पढ़े लिखे जो लोगों का है, एक जागरूक हुई है, और महिलाएं के जो प्रति वो बहुत ही, मतलब उन्होंने ये साबित किया है कि ये इस बार साउथ में वो जो चेंज है ना, जो परिस्थिति अभी सामने आ जाएगी 2-4 दिन में, कम से कम वहां पे ये उम्मीद है 5 से 10 सीट का इस बार 40 में से 5 से 10 मिनट, ये खुद ही अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो देखा आपने कि जिस तरीके से जो सर्वे में हम दिखा रहे हैं कि मोदी की गारंटी को लेकर के भाजपा एनडीए ने जगह जगह पर प्रचार किया, प्रसार किया, उस मोदी की गारंटी पे कहीं ना कहीं जनता का मुहर लगता हुआ दिखाई पड़ा है। शायद यही वजह है कि सर्वे में टाइम्स नव भारत ने 358 सीटों के करीब जो है भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को, उनको मिलने की संभावना जताई है। जहां हमने लोगों से बात की, आम मतदाताओं से बात की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार प्रचंड बहुमत से 400 पार हो सकती है एनडीए की सरकार। लेकिन देखना यही होगा कि जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे जो है वो इस एग्जिट पोल के जो सर्वे के अनुसार जो आंकड़े हैं उसके कितने करीब आकर के ठहरते हैं। वीडियो अंकित के साथ प्रेम कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।